अपना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मकारी न कर, अपना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मकारी न कर, तू ही खुद को जांच ले मुझसे अदाकारी न कर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ अर्चना मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, पर इस वक्त हमारे देश में इंडिया गठबंधन ने क्या गजब का कहर ढा रखा है। यूँ समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच के फर्क को खत्म कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सबसे बड़ी खाई के तौर पर उनकी विचारधारा है तो आप मुगालते में हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल वाजे है, बस कांग्रेस की विचारधारा ही क्लियर नहीं है। अब आप राजस्थान और हरियाणा के मामले में कांग्रेस के दोहरे किरदार को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा राजस्थान और हरियाणा की तरफ गौर से देख लें। नासिर जुनैद के कत्ल के आरोपी मोनू मानेसर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसी वक्त खबर आ रही थी कि बदले में कांग्रेस के उस विधायक को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा जिसने मोनू मानेसर और बजरंग दल के खिलाफ विधानसभा में आवाज़ बुलंद की। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद मामन खान को गिरफ्तार कर लिया। अब मोनू मानेसर की तरह मामन खान ना तो आतंकी है ना ही गुंडा। मामन खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस ने अपनी जबान पर ताला जड़ लिया है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर कांग्रेसी गमगीन है या खुश, इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। पर अपने ही विधायक की गिरफ्तारी के बाद मामन खान से कांग्रेस ने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मामन खान को कांग्रेस ऐसे भूल जाना चाहती है मानो मामन खान कांग्रेस के विधायक ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने अपने विधायक जगनेश मेवाड़ी की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा दिया था, आज उसी कांग्रेस ने मुंह में दही जमा ली है। अब तो मुसलमान भी खुलकर कहने लगे हैं कि कांग्रेस के नेता ही असली संघी हैं। खैर, मामन खान पर भी विस्तार से बात करेंगे और कांग्रेस के संघी चेहरे पर भी। पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वहाँ के मुख्यमंत्री इस वक्त बजरंग दल के हमदर्द बन गए। बजरंग दल के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने का ऐलान कर रहे हैं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। पर इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। सपा नेता आजम खान पूरा परिवार बीते साल से परेशान है और उनकी पार्टी ने भी उनके साथ वही काम किया जो काम राहुल गांधी ने अपने विधायक मामन खान के साथ किया, मतलब दगाबाजी और अयारी। इनके साथ ही बात करेंगे हिमाचल और उत्तराखंड की। मध्य प्रदेश का जिक्र भी करेंगे कि आखिर कैसे हिंदुत्व की नाव पर कांग्रेस होना चाहती है सवार। इन तमाम मुद्दों पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, पर आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहें, वरना हमारी खबर आपको समझ में नहीं आएगी। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आधा अधूरा काम बिल्कुल ना करें और घंटी वाला बटन भी ज़रूर से दबा दें। अगर हमें Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो कर लें, और अगर आप हमें Instagram पर देख रहे हैं तो Instagram को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी का नाम कांग्रेस है, जिसे आज़ादी से पहले बनाया गया। इसके कई नेता क्रांतिकारी थे और देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़े, कई सालों तक जेल में रहे, लेकिन जब आज़ादी मिल गई तब इसी कांग्रेस के एक बड़े नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनको आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। गांधीवादी विचारधारा और गांधी के सिद्धांतों को मानने का दावा करने वाली कांग्रेस में अब गांधीवादी की कोई जगह नहीं बची है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने गांधी और अम्बेडकर से तौबा कर ली है, मतलब सिर्फ चुनावी भाषणों में अम्बेडकर और गांधी को याद किया जाएगा, वरना हर वो काम किया जाएगा जिससे सावरकर और गोडसे की विचारधारा फल फूल सके। अब मिसाल के तौर पे हरियाणा और राजस्थान को देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी आए दिन राजस्थान की धरती से मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान आते रहते हैं, पर गहलोत साहब चुप हैं। नासिर जुनैद की हत्या के बाद हर कोई उनके मकतूल के परिवार से मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वहाँ जाने का मौका बहुत देर से मिला। जब हर तरफ कांग्रेस की लानत मलामत हो गई, मोनू मानेसर को पकड़ने में भी गहलोत साहब 13-22 करते नजर आए। जो मोनू मानेसर छोटा सांड की तरह घूम रहा था, उसी मोनू मानेसर को पकड़ने में इतने हाथ पाँव फूल रहे थे। वो तो बाद में नू हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ लिया, वरना राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बस की बात नहीं थी कि वो मोनू मानेसर की तरफ आँख उठाकर भी देख सके। पर हरियाणा में कांग्रेस ने अपने विधायक को बलि का बकरा बना दिया। शायद मोनू मानेसर को पकड़ने के बदले में विधायक मामन खान को कुर्बान कर दिया गया।
मामन खान को नूह हिंसा में शामिल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मामन खान का नाम भी अपनी जबान पर नहीं लाना चाहते। मामन खान वही नेता हैं जिन्होंने बजरंग दल और मोनू मानेसर की भूमिका पर विधानसभा के भीतर सख्त सवाल उठा चुके हैं। एक जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और हरियाणा में मौजूद उसके नेता बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं। मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामन खान के वकील कह रहे हैं कि पुलिस के पास मामन खान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। नूह शहर की कोई लोकेशन उनकी नहीं पाई गई है। जिला नूह की भी कोई लोकेशन उनकी नहीं है। किसी तरह का कोई मैसेज नहीं है, ना कोई कॉल डिटेल है, ना कनेक्टिविटी पाई गई है। मामन के वकील ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधायक को अगले हफ्ते में ही जमानत मिल जाएगी, पर कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से अपने विधायक को छोड़कर भाग रहे हैं उसने जिग्नेश मेवाड़ी की याद दिला दी है। जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात में कांग्रेस के विधायक है, असम पुलिस एक मामले में गिरफ्तार कर लेती है तब पूरा का पूरा कांग्रेसी खेमा सदमे से पागल हो जाता है। कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता जिग्नेश की गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोल देते हैं। तमाम बड़े नेताओं के बयान आने लगते हैं। ऐसा लगा मानो कांग्रेस पूरे देश में बवाल मचा देगी, पर मामन खान की तरफ देखकर बताइए, क्या कांग्रेस उनके लिए लड़ना चाहेगी? क्या मामन खान के नाम की वजह से कांग्रेस उनका साथ छोड़ रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वो नाम है जिनको कांग्रेस कहा जाता है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के दमदार खाटी कांग्रेस नेता है जिनका कद हरियाणा में बहुत बड़ा है, पर सब के सब एक साथ चुप रहना चाहते हैं क्योंकि इस बार गिरफ्तारी किसी जिग्नेश मेवाड़ी की नहीं हुई बल्कि मामन खान की हुई। क्या यही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है? विधायक मामन खान ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। खुद राहुल गांधी को जब अमेठी ने नकार दिया तब केरल के वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को सीने से लगाया, उनको सांसद बनाया। अगर वायनाड के मुसलमानों ने राहुल को गले ना लगाया होता तो राहुल गांधी संसद में घुसने के लायक भी नहीं रहते। अब आते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, पर अब बजरंग दल पर बैन क्यों नहीं लगाया? शायद कांग्रेस अब बजरंग दल से हाथ मिला चुकी है, वरना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए। जब उनसे बजरंग दल पर बैन लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बजरंग दल पर किसी भी तरह का बैन लगाने से साफ साफ मना कर दिया। वही हाल मध्य प्रदेश में है जहाँ दिग्विजय सिंह पहले कह चुके हैं कि वो बजरंग दल पर बैन नहीं चाहते। हिमाचल में बजरंग ही सूबे पर हावी हो चुका है। हिंदूवादी संगठन सोलन जिले के कुनिहार में अपने आतंक लोहा मनवा चुके हैं, पर अब तक कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हुई है। उसी कांग्रेस के हिमाचल में मुसलमानों को सूबा खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया, पर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल चुप है। उत्तराखंड में दरगाहों मजारों को तोड़ा जा रहा है, पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस पर सवाल नहीं करना चाहती। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है। आजम खान और उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है, पर उनके सबसे बड़े नेता अपने आलिशान घर में दुबककर बैठे रहते हैं। उनको ट्विटर पर ही वीर गाथा सुनाने से फुर्सत नहीं मिलती। एक बार अखिलेश यादव सड़क से लेकर संसद तक कोई आंदोलन नहीं कर सके, या फिर यूं कहें कि अब उनको मुसलमानों और मुसलमान नेताओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खैर, इंडिया गठबंधन बन चुका है, पर इनकी विचारधारा में संघ का विरोध बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। कल को अगर सत्ता बदल जाती है तब भी गेरुआ टोला आज़ाद घूमता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा संघ की विचारधारा बन चुकी है। सत्ता चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, लेकिन नफरत का दौर खत्म नहीं होने वाला। कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ लगी है। यूँ समझ लीजिए कि कल को अगर राहुल गांधी आरएसएस के नागपुर दफ्तर में नजर आ जाएं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जैसी है वैसी नज़र भी आती है, लेकिन कांग्रेस अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आती है। कांग्रेस बाहर से खुद को कट्टर, सेकुलर, लोकतंत्र समर्थक, अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिश करती है, पर उसके मन में संघ के लिए प्यार है। उसे संघ की विचारधारा से कोई एतराज़ नहीं है। कांग्रेस के दो चेहरे देखकर 2013 में मुसलमानों ने इनको ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक केंद्र में इनकी सरकार नहीं बन पाई। ये बार बार अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, पर अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान कांग्रेस के नस नस से वाकिफ हो चुका है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल किसी न किसी तरह से बीजेपी से दिल लगी कर चुके हैं, चाहे ममता हो, नरेश हो, उद्धव ठाकरे हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती। केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कहने वाली खुद कांग्रेस ही है। केजरीवाल का एक रूप दिल्ली दंगा के वक्त देखने को मिल चुका है। पंजाब में बेटियों पर लाठीचार्ज ने भी केजरीवाल साहब को बेपर्दा कर दिया, पर अब इंडिया गठबंधन में तमाम खामियां होने के बाद भी दाग अच्छे हैं,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी दबा दें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो कर लें, और अगर आप हमें Instagram पर देख रहे हैं तो Instagram को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त, जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।